हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग इस टाइम जा रहे हैं चकराता, देहरादून से चकराता की तरफ जाते वक्त ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए और आप सबसे बात की जाए। मेरे पीछे आप ये देखिएगा, नवीद मलिक साहब खड़े हैं और मैं इनको स्पेशल थैंक्स कहती हूँ। हर जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ जहाँ मुझे जाना होता है। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको बनाने में भी इनका बहुत अहम रोल होता है। ये देखिए मेरे पीछे सफ़ेद है, कितने खूबसूरत पेड़ हैं। लाइए मैं देखिए व्यूअर्स, ये सारा रास्ता, ये सारा रोड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पीछे सफ़ेदे के पेड़ हैं, यहाँ कुछ गन्ना लगा हुआ है, गन्ना ईख के पेड़ लगे हुए हैं। और जस्ट बैक साइड पे आपके पहाड़ शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, पीछे पहाड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही दिलकश नज़ारा है, बहुत ही लाजवाब। ये रोड बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, एकदम बिल्कुल क्लीन रोड है। गाड़ी भी बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल पानी की तरह चल रही है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग देहरादून से कभी भी चकराता की तरफ आते हैं तो ये जो हार्बर चौक है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। सीधा यहाँ से हार्बर चौक की तरफ आइए और यहाँ से बहुत थोड़ा सा फासला रह जाता है। रास्ता इतना शानदार है कि लग ही नहीं रहा कि हम लोग देहरादून में हैं। और बहुत खूबसूरत इंडिया, तो खैर अब साहिल बहुत तरक्की कर चुका है और फॉरेन के रोड लगे। हाँ बिल्कुल, और बहुत शानदार है। चारों तरफ गाड़ी चलती है जिन पे, हाँ चारों तरफ हरियाली, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब तुम बताओ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, पीछे बैक साइड के ऊपर पहाड़ वगैरह। और आपको आगे चल के रास्ते में और भी दिखाते हैं, जो भी आगे रास्ते में कुछ अच्छे व्यूज दिखते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। व्यूअर्स, अभी हम यहाँ पर हैं, इस जगह को कहते हैं डाक पत्थर, और बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि धूप बहुत तेज़ है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे एक पार्क है। हाँ, इसे मुझे नवेद की मदद लेनी चाहिए। और यहाँ पर हालांकि फ़ोटोग्राफी सख्त मना है और हम लोग भी जुगत लगाने के चक्कर में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जुगाड़ तो लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आप देख रहे होंगे पानी की शोर की आवाज़ भी आ रही है। और मैं नवेद से कहूँगी कि अगर गार्ड से नज़र बचती है तो थोड़ा सा घूम के ये है बैराज, डार्क पत्थर बैराज। ये हम लोग देहरादून से चकराता की जानिब जा रहे थे, रास्ते में लगा एक ये नया डेस्टिनेशन है, तो क्यों ना हमें यहाँ भी रुकना चाहिए, कुछ वक्त गुजारना चाहिए। हरियाली है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, धूप ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास है क्योंकि हम पहाड़ों के नज़दीक जा रहे हैं, पहाड़ पास में हैं। और माशाल्लाह से मेरा पहाड़ मेरे साथ खड़ा है। और कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप घूमो, निकलो, एंजॉय करो, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि लाइफ को घर में बैठे बैठे ख़त्म मत करो, जिंदगी जियो, जिंदगी के मज़े लो। जिंदगी जीना क्या कर, जिंदगी जीना अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। जिंदगी जीने के लिए दी है, गुजारने के लिए नहीं दी है, गुजारने के लिए नहीं दी है। इसलिए जहाँ चोरी छुपे मौका मिले ब्लॉग भी बनाते रहना चाहिए। ब्लॉगिंग करो, दुनिया को दिखाओ। जो लोग नहीं निकलना चाहते उनको इंस्पायर करें आप प्लीज़। और आप भी निकलें, आप दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बड़ी खूबसूरत जगहें हैं। और ये ही बस ज़िंदगी का एक फलसफा है, हम दोनों ने सोचा है अब लाइफ में कुछ नहीं करना, सिर्फ घूमना है। बिल्कुल घूमना है, दुनिया घूमना है, और आप लोगों को हमारे कैमरे के थ्रू घुमाना है ब्लॉग्स के। मैंने नज़म पढ़ी थी इकबाल की, रूह है अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। तो अल्लाह ताला ने ये सरजमी आदम के लिए बनाई, हम उनकी औलादें, हम सब के लिए बनाई, तमाम नेमतें हम सब के लिए हैं। ज़िंदगी घूमने का नाम है, खुश रहने का नाम है। और मैंने नवेद को भी नज़म सुना दी थी। चलिए अब निकलते हैं आगे चकराता की तरफ, देखते हैं। और रास्ते पर जो भी अच्छे डेस्टिनेशन होंगे, डेस्टिनेशन जो भी मिलेगी वो आपको दिखाते रहेंगे। रिवर्स, अब हम लोग जा रहे हैं चकराता की तरफ और गाड़ी हमारी एकदम फर्राटे भर रही है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रोड है।
मैं पीछे का कुछ व्यू भी दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया ये हम लोग काला पत्थर से सीधा अंदर की तरफ से एक रास्ता कटता है चक्राता के लिए, उसी तरफ जा रहा है। ये देखिए सामने आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। पहाड़ों का ये सफ़र बहुत खूबसूरत होता है अगर तमाम चीज़ें आपके मुवाफिक हों, मौसम, साथी, सड़कें और खाने पीने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए। यहाँ से चक्राता 45 किलोमीटर है। अब यही सोचा है कि कैंपिंग स्टार्ट करेंगे। लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा बोर हो गए हम लोगों के तो पैर वैसे भी रुकने वाले नहीं थे। और ये सड़क के किनारे किनारे सारे मकान आप लोग देख रहे होंगे। वहाँ देखिए सामने क्या क्या ज़बरदस्त व्यू है। सामने एक गाय भी आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मनासिर है। और ये नवेद मलिक को भी देख लीजिए, क्या खुशी खुशी गाड़ी चला रहा है। खुशी खुशी, हाँ जी खुशी खुशी। हिल स्टेशन पे तो जाने का ही मजा, मतलब खुशी अलग होती है, मजा ही अलग होता है, जोश ही अलग होता है, और बाय रोड तो मजा ही अलग है। पता है साहिल जब हम कहते हैं ना घर में कि हम लोगों को हिल स्टेशन जाना है, वहाँ की खुशी अलग होती है, तो सब पता है बड़े गुस्से में घूर के कहते हैं पहली बार जा रहे हो क्या, रुकते का वो तो याद है तुम्हारी कजिन की जहाँ शब शादी थी, हम लोग गोवा भाग गए थे। हाँ। जनवरी की बात है। बिल्कुल। कितना सब हमें ढूंढ रहे थे न्यू गाँव की, जब हम भाग जाते ना घर से और बाकी सब ढूंढते उसका मजा कुछ और होता है। सीधी बात तो ये है, जब फोन करके सब पूछते हैं कहाँ हो। पता है उस शादी को कितना एंजॉय किया था, ना शरीक हो गया हमने, गोवा से लाइव कर दिया था। हाँ, जब सबने उन्हें पूछा था, से किया था आरंबोल बीच, आरंबोल बीच से सबने पूछा था ना कहाँ हो, तो ये रहे। पीछे से ठाटे मारता समंदर।